बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान मुबारक मेरी तरफ़ से सब बहन भाइयों को। अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे और रोज़े रखने और सारी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और आज हम बनाएंगे बादाम का शरबत। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 2 कप दूध लिया है और इसमें ऐड करूँगी 4 चम्मच चीनी और मैं इसको पकाऊंगी थोड़ा सा। इसके बाद मैंने बादाम भगो कर रखे थे, इनको मैं क्रश कर लूँगी, वो भी इसमें ऐड करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, दूध को मैंने अच्छी तरह पका लिया है, चीनी भी मैंने 4 चम्मच इसमें ऐड की थी और तकरीबन 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड लिया है और तकरीबन 1/2 कप पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें। और मैंने बादाम भी क्रश करके इसमें ऐड कर दिए हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और रमज़ान में आप में एनर्जी सी आ जाती है। ये शरबत बहुत ही अच्छा है, आप बनाएं और ज़रूर टेस्ट करें, अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। अब मैं बादाम को भी थोड़ी देर पकाऊंगी, अब फिर इसमें मैं कस्टर्ड ऐड करूंगी। कस्टर्ड को थोड़ा थोड़ा ऐड करें, इससे एकदम से ऐड करेंगे तो वो गुठलियाँ सी बन जाएगी, वो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब माशाल्लाह मैं इसको पका रही हूँ, तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट जो है ना स्लो आंच पे इसको पकाऊंगी। देखिए माशाल्लाह 3 से 4 मिनट मैंने पकाया है और ये रेडी है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो फिर इसको सर्व करेंगे। अब अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।